हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। वेलकम टू शालू शनी ब्लॉग। तो आज साजी का बर्थडे का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और देखिए मेरी गुड़िया रानी रेडी होके घूमी घूमी कर रही है सुबह सुबह। इसको तैयार कर दिया गया है। वैसे तो इसका दिन भर कपड़ा बदला ही जाता है, आज तो इसका बर्थडे है तो ये सो के उठ गई है। इनका मालिश वगैरह हो गया, इनको रेडी कर दिया गया है। तो जिसका बर्थडे है उसी को पहले पहले दिखाते हैं। तो आप लोग भी साजी को बर्थडे विश कर दीजिए। आज साजी का बर्थडे है और ये साजी का बर्थडे ब्लॉग है। और मैं भी नहा के रेडी हो गई हूँ। सभी लोग बारी बारी से नहा रहे हैं और मेरा बाल देखिए, बाल धुले ना तो कैसे बिखरा बिखरा पड़ा है। और साची ना मुझे परेशान कर दी थी, मैं जो गले में पहनी थी ना उसको खींच खींच के परेशान कर दी थी। लास्ट में तो वो टूट भी गया, मतलब जहाँ से पहनते हैं ना वो निकल गया। वो तो बन जाएगा कोई ना, लेकिन बहुत परेशान करती थी। जब भी उसको खुद ही लेते थे ना वही खींचती थी। और चाची का बर्थडे का डेकोरेशन स्टार्ट हो गया। और देखिए रेशमा बैठ के बलून फुला रही है। ये तो बलून फुलाते फुलाते ही परेशान हो गई थी, बोली मेरा हाथ दर्द होने लगा, छाला निकल गया। मैं बोली कि तुम्हारे बेटे का बर्थडे है तो बलून कौन फुलाएगा, तुम ही फुलाओगी ना। और वो साचू को अपने बेटी के जैसे मानती है, तो बेचारी जितना भी बलून था ना सारा बलून में से मतलब आधा से ज़्यादा बलून तो रेशमा ही फुलाई थी। और डेकोरेशन जो है लगभग लगभग मैं ही की थी, बस कुछ कुछ जगह सपोर्ट की ज़रूरत थी तो वहाँ पर अंशु आके की, बिकॉज मैं ऊपर नहीं चढ़ना चाहती थी क्योंकि फ्रॉक भी पहनी थी और मुझे ऊपर चढ़ने में डर लग रहा था। तो ऊपर का जितना भी डेकोरेशन हुआ था सारा अंशु लगाई थी बलून, और सभी लोग मिलके डेकोरेशन किए थे। हनी, छोटी, ये लोग भी आई थी, ये लोग भी हेल्प की। और कुछ इस तरह से सची के बर्थडे का डेकोरेशन हुआ था। पापा बलून जो फुला के डेकोरेशन करते हैं ना उनको बुक किए थे, बट मैं कैंसिल करवा दी बिकॉज वो लोग बहुत कॉस्टली थे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। और फिर क्या फ़ायदा था बलून इतना पैसा लगा के लगवाओ और फिर वो तो बर्थडे के टाइम में सारे के सारे लोग फोड़ ही देते, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं बोली कि पापा हम लोग सुबह से खाली ही तो रहेंगे, बस नहा धो के इधर उधर घूमते ही रहेंगे, खाना बनाना नहीं है, खाना हलवाई बनाएंगे, सारा काम दूसरा कोई करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम डेकोरेशन ही कर ले। तो पापा बोले ठीक है। तो उसको कैंसिल करवाने के बाद मैं जिम्मा ली थी कि मैं डेकोरेशन में हेल्प करवाऊंगी, मेरा पूरा जिम्मा है, मैं डेकोरेशन करूंगी। तो चलिए देखिए कैसा डेकोरेशन हुआ है, आप लोग भी बताइएगा। उसके बाद है ये दूसरे का दरवाजा, तो हम लोग खिड़की पे बस लगाए हैं, दरवाजा पिछले नहीं लगाए बिकॉज दरवाजा ओपन करना होता। और बहुत ही शोर हो रहा है, पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं, सब शोर किए हैं देखिए। और जितना बलून है तीन तीन बलून करके यहाँ लगा दिया गया है। और ये है हमारी एंट्री गेट, ये बैठने के लिए है। हम लोग ना 11 बजे से ना डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिए थे, बलून फुलाना लगाना ये सब स्टार्ट हो गया था, इसलिए कि शाम को पूजा भी है। तो ये हुआ कि चलो ठीक है जल्दी से डेकोरेशन करके खाली हो जाते हैं, जितना जल्दी खाली रहेंगे उतना अच्छा है। बट प्रॉब्लम ये हो गई ना, देखिए धूप आ गया है, जैसे ही दोपहर हुआ ना 1-2 बजा ना धूप आना स्टार्ट हो गया और सारा बलून ना फूटना स्टार्ट हो गया। जो भी होता है ना डिज़ाइन बनता है ना बलून में, तो वो जो भी डिज़ाइन बनाया गया था ना वो बलून बीच बीच में फूट के सारा ख़राब हो रहा था, कहीं का वाइट फूट जा रहा था, कहीं का रेड फूट जा रहा था। और साचू का जो भी बर्थडे का थीम है ना, वो सारा थीम नहीं बस बलून बोल सकते हैं कि बलून वाइट और रेड ही था। और जो पीछे हैप्पी बर्थडे लगाया गया था वो भी वाइट और गोल्डन रेड इसी में मिक्सअप था, सारा वाइट गोल्डन रेड में ही था। और पापा टेबल लगा रहे हैं उसका केक जिसपे कटेगा। यहाँ पे खाना बन रहा है, नीचे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खाना बन रहा है एक रूम में। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ी देर के लिए आई थी, कोई काम था, पापा बुलाए थे तो बस इतना ही रिकॉर्डिंग हो पाया। और यहाँ पे पूड़ियाँ बेली जा रही हैं, रेशमा मम्मी, हाँ मामी, मम्मी सभी लोग मिलके पूड़ी बना रहे हैं। ज़्यादा पूड़ी बनाना नहीं था, 10 से 12 किलो का आटा का पूड़ी बनाना था। तो डेकोरेशन हो गया, सभी लोग रेडी हो गए हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और माता जी का भजन कीर्तन पूजा जो भी होना था वो स्टार्ट हो गया है। और अभी तक हस्बैंड जी मतलब बाबू अभी तक नहीं आए हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। और मम्मी की जितनी भी फ्रेंड थी वो लोग आई हैं, रिलेटिव आए हैं, पापा के थोड़े 1-2 फ्रेंड आए हैं और बाकी मम्मी की ज़्यादा फ्रेंड थी, अंशु की फ्रेंड थी और रिलेटिव आए थे। और साची का बर्थडे का डेकोरेशन डन हो चुका है, केक आना अभी बाकी है। और देखिए साचू का क्या
हाल है, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और साचू का ये हाल है, मतलब कपड़ा पहन ही नहीं रही है, किसी के पास जा नहीं रही है, बस रोए जा रही है। इसको ना मतलब यही था कि मुझे शांत एरिया में छोड़ दिया जाए जहाँ कोई ना हो। देखिए अभी साची के पास कोई नहीं है ना, तो खेल रही है, जहाँ इसके पास कोई आ जा रहा है तो रोने लग रही है। और देखिए हस्बैंड जी आ गए हैं, पापा गए थे इनको लेने के लिए, तो साथ में केक भी आ गया, क्योंकि मार्केट में ही गए थे इनको लेने के लिए, तो केक भी आ गया। तो ये केक लेके आ रहे हैं और पापा गाड़ी पार्क कर रहे हैं, और जितने लोग भी थे सारे रिलेटिव फ्रेंड सब आए थे, तो सबका, ये तो किसी को पहचानते नहीं, तो जितने लोग रास्ते में थे ना सबका पैर छूते छूते ये चले आ रहे हैं। मम्मी केक लेके आ गई हैं रूम में, और इनका इतना बेसब, ये मामी है, मामी जो है ना हमारी मामी, वो मतलब मुझसे पैर नहीं छुआती हैं, वो हमारा पैर खुद छूती हैं। तो बाबू जब उनका पैर छूने गए ना, तो वो रोक ली और बाबू का पैर छुई, तो अच्छा लगता है ये कल्चर, मैं भी ऐसे करती हूँ। इनका इतना बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था जब ये आने वाले थे ना, तो अंशु देखिए इनका आरती कर रही है, इनका टीका वेलकम कर रही है, क्योंकि ये मम्मी के साथ आए नहीं थे, आए होते तो वेलकम होता। रेशमा भी देखिए वेलकम कर रही है, और शादी में इतना इंजॉय हो नहीं पाया था तो अभी इंजॉयमेंट हो रहा है। देखिए रेशमा कैसे बात कर रही है हाथ उठ मिला के खूब मज़ा ले रही थी, बोली शादी में नहीं वेलकम कर पाए थे जीजा का, तो अब करेंगे खूब। पापा को पता था कि हम लोग वेलकम करने वाले हैं, मतलब मैं नहीं, अंशु रेशमा ये लोग वेलकम करने वाले हैं, तो जब पापा पहुंचने वाले थे ना 5 मिनट पहले ही फ़ोन कर दिए कि हाँ मैं घर पहुंचने वाला हूँ। 5 मिनट पहले से ही जितने भी रिलेटिव थे, जितने लोग थे, सभी लोग रूम के बाहर इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आएँगे अब आएँगे अब आएँगे रेशमा और अंशु, ये लोग भी थाली लेके खड़े हैं। मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे शादी में दूल्हा का इंतज़ार नहीं होता बाराती का, कि हाँ बाराती आने वाला, बस पहुँचने वाला है, वैसे इनका इंतज़ार हो रहा था। और मेरी मामी जो है, देखिए पापा की आरती उतार रही है, मामी बहुत मजाकिया हैं, तो ये अलग ही टाइप की मजाक कर रही थी, बोली अंशु तुम अपने जीजा की आरती उतारी हो तो मैं भी अपने जीजा का आरती उतारूंगी। तो अंशु से थाली लेके गई और पापा की आरती उतार रही थी। तो मैं बता रही हूँ ना, जैसे शादी में दूल्हे का इंतज़ार बाराती का होता ना, वैसे हो रहा था, सभी लोग बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे बाबू का, और जब ये आए तो इनका आरती वेलकम हुआ, फिर ये नहाए रेडी हुए, सारे लोग इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, बिकॉज जब तक ये नहीं आते तब तक केक नहीं कटता। तो अभी आ गए हैं और केक कटने की तैयारी हो गई है, और देखिए कैंडल भी जल गया। और साचू बहुत परेशान की थी, कपड़ा नहीं पहन रही थी, इसको कैसे कैसे कपड़ा पहनाए। केक जो है 8:30 से 9 बजे के बीच में कटा, वैसे प्लान था कि नहीं 8 बजे तक कट जाएगा, बिकॉज जो रिलेटिव है ना वो दूर के हैं, उनको जाने में टाइम लगेगा, बट बाबू के वजह से लेट हो गया, इनको आने में लेट हो गया। साचू केक कटने के बाद देखिए मतलब पापा के पास भी नहीं रुक रही थी, बीच बीच में ना खूब तेज़ी तेज़ी रोने लग रही थी और फिर शांत हो जाती थी। देखिए अभी मेरे गोदी में शांत हो गई है और अभी फ़ोटो क्लिक हो रहा है फैमिली का, इसमें से अंशु गायब है, रेशमा गायब है, ये लोग फ़ोटो क्लिक करने के चक्कर में हैं। और मेरा बाबू का सेम कलर का ड्रेस है, और मम्मी और पापा का सेम कलर का ड्रेस है, सासू मम्मी का भी मिलता जुलता है। तो साचू ना किसी के पास नहीं जा रही थी, बस पापा के और मेरे पास रह रही थी और किसी के पास नहीं जा रही थी, मुझे तो बहुत ही परेशान करती थी, मुझे मतलब यही हो रहा था रेडी ना हूँ, बस साची को लेके कहीं दूर चली जाऊँ ताकि ये किसी को ना देखे और रोए ना। और ये साची का केक था। जैसे ही केक कट हुआ ना, वैसे ही सारे लोग बलून फोड़ना स्टार्ट कर दिए, और देखिए कितना शोर हुआ, कितना बलून सभी लोग फोड़े, बस जो ऊपर का बलून था ना जो मिला नहीं सबको ना, वही बस छूटा, बाकी जितना बलून सबको मिला सभी लोग फोड़ फाड़ के रख दिए। यही है ना, मैं इसलिए पापा को मना कि पापा बलून डेकोरेट करने वाले को मत बुलाइए, फालतू पैसा बर्बाद होगा और सारा का सारा बलून शाम तक फूट ही जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा इतना पैसा बर्बाद करने से, वही पैसे का बलून आ जाएगा, मैं मेहनत करके फुला दूंगी। और देखिए मैं मेहनत करके डेकोरेशन की और सक्सेसफुल हुआ, डेकोरेशन भी हो गया और सभी लोग फोड़ के इंजॉय भी किए। और साची देखिए अभी इसको रूम में लेके आए हैं, तो हेलमेट के साथ मस्ती कर रही है, चुपचाप है। मैं ना इसको लेके परेशान हो गई थी, बस मेरे पास रह रही थी, पापा को बाकी गेस्ट लोग आए थे तो उनको देखना था, तो पापा चले गए वो देखने के लिए। मैं साची को लेके बस केक कटने के बाद इतना परेशान की कि मैं बाबू को लेके साची को लेके छत पे गई, वहाँ पे शांति से कुछ देर थी, फिर उसको लेके आई नीचे। और अभी सभी लोग केक खा के जिनको जाना था वो चले गए हैं, मतलब
कुछ गेस्ट ऐसे थे जो कि खाना नहीं खाए, बस केक वगैरह लेके चले गए, तो वो केक नाश्ता करके वो लोग चले गए हैं। बाकी जो गेस्ट हैं अभी खाना खा के जाएंगे। उन लोगों की डांस हो रही है, मामी हैं दोनों मामी, इन लोगों की मस्ती हो रही है, रेशमा बहुत डांस की, बहुत डांस की, सभी लोगों की मस्ती स्टार्ट है। और देखिए सभी लोग बोले कि साचू का कपड़ा जो फ्राक है ना वो भारी है, वो निकाल दो ताकि शांत हो जाए। तो मैं उसको निकाल दी, फोटो भी एक भी फ़ोटो साची के बर्थडे का नहीं है जिसमें वो ठीक ठाक से हो, रोई ना हो, एक भी फ़ोटो उसका शूट नहीं हुआ, फोटो क्लिक नहीं हुआ। अभी उसका कपड़ा निकाल के बस एक हल्का सा टॉप डाल दिए हैं और पैंट पहना दिए हैं ताकि शांत रहे। और यहाँ पे सबकी मस्ती स्टार्ट है, सबका डांस वगैरह चल रहा है। अभी साचू थोड़ी शांत है बट बीच बीच में रोना स्टार्ट कर दे रही, किसी के पास नहीं जा रही, बस मेरे पास है, तो मैं बस उसको लेके खड़ी हूँ। अभी देखिए अंशु के पास गई है और मम्मी एप्पल दी है तो एप्पल खा रही है। यहाँ पे दोनों मम्मी डांस कर रही हैं, मामी डांस कर रही हैं। नातिन का बर्थडे है तो अलग ही लेवल की खुशी होता है ना, पहली वेली है ना मायके और ससुराल दोनों जगह की पहली है, नाना और दादी के घर की, तो अलग ही लेवल की सबको खुशी है, सभी लोग खूब इंजॉय किए। पापा बस बिजी थे, पापा का भी फोटो नहीं शूट हो पाया थोड़ा सा, बस वही जब केक कट हो रहा था तभी पापा का फोटो क्लिक हुआ, बाकी उनका भी नहीं हुआ क्योंकि वो भी गेस्ट देख रहे थे, नीचे खाना वगैरह खिलाना बांटना ये सब कर रहे थे। और ये देखिए रेशमा अंशु का डांस हो रहा है और मामी जो है अलग ही लेवल की मस्ती कर रही है। मैं नहीं डांस कर पाई, मुझे अभी देखिए बाबू को खींच के लाया गया, मामी और अंशु रेशमा ये लोग खींच के उनको लाए बाहर से, वो मतलब दूर खड़े थे, उनको लाया गया कि चलो डांस करो डांस करो। अब मुझे खींचा जा रहा है कि नहीं चलो डांस करो डांस करो आगे में, और समझ में नहीं आ रहा था किस गाना पे डांस करे क्या डांस करे। बाबू खड़े थे, खड़े खड़े बोल रहे हैं मुझे प्यास लगा है, मैं जा रहा हूँ पानी पी के आता हूँ, बट कोई नहीं जाने दिया उनको, सभी लोग उनके पकड़ के खड़े थे। रेशमा बोली मैं पानी लाऊंगी, आप पानी पियो लेकिन यहाँ से नहीं जाना है। फिर रेशमा पानी लेके आई, बाबू पानी पिए, फिर थोड़ा सा डांस किए थे, ज़्यादा डांस नहीं किए बिकॉज साची मुझे देखी ना तो फिर वो रोने लगी, तो मुझे उसको लेना था तो फिर मैं चली गई उसके पास। साची के बर्थडे में खूब इंजॉय किए, खूब इंजॉय किए सभी लोग, रेशमा हाँ अंशु मतलब पूरी फैमिली जितने गेस्ट आए थे सभी लोग खूब इंजॉय किए। बस प्रॉब्लम यही थी कि बाबू थोड़ा लेट आए थे ना तो ये उतना इंजॉय नहीं कर पाए थे, और इनके चक्कर में और साची के चक्कर में मैं भी उतना नहीं कर पाई थी बिकॉज साची ना जिस दिन उसका बर्थडे था पूरा सुबह से लेकर रोना स्टार्ट कर दी थी, मतलब सुबह से नहीं दोपहर बोल सकते हैं, दोपहर से रोना स्टार्ट कर दी थी, पता नहीं उसको क्या हो गया था। और बाबू भी लेट आए तो इनके वजह से मुझे ये टेंशन था ये टाइम से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे कि नहीं, बट ये टाइम से आ गए थे, तो ये दोनों टेंशन में ना मैं उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई, बट की क्योंकि मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे था और बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि साची का बर्थडे आ रहा है और आ गया, तो खुशी तो अलग ही लेवल की थी। बट कोई ना, सब कुछ अच्छे से हुआ, जैसा सोचे थे हम लोग वैसा ही हुआ, खूब इंजॉय किए। आई होप आप लोग भी ब्लॉग देख के इंजॉय कर रहे होंगे साची का बर्थडे। शूट मैं नहीं कर पाई थी, अंशु भी नहीं कर पाई थी क्योंकि अंशु को भी काम था बीच बीच में, वो सब कुछ देखभाल कर रही थी, तो शूट हनी और छोटी ये लोग किए थे, तो बच्ची हैं उन लोगों को उतना पता नहीं कैसे किया जाता है कैसे नहीं, जैसे भी की सब कुछ अच्छा था। उन लोगों को भी थैंक यू कि वो लोग शूट कर पाए। और यहाँ पे देखिए मुझे ज़बरदस्ती सभी लोग डांस करा रहे, बस थोड़ा सा किए थे, साची रोने लगी थी तो इतना ही करके भाग गए, साची को ले लिए और खूब मज़ा आया, खूब इंजॉय किए। और मेरा और बाबू का जो ड्रेस है ना, ये अनुपमा सीरियल जो देखते हैं उनको पता होगा, अनुपमा सीरियल में अनुज और अनुपमा दोनों लोग 25 दिसंबर को जो वो लोग क्रिसमस पार्टी मनाए थे ना उसमें जो ड्रेस पहने थे ना उस ड्रेस से मिलता जुलता मेरा ड्रेस और बाबू का ड्रेस था। हम लोग एक सेम ड्रेस पहने थे अनुज और अनुपमा के ड्रेस के जैसे। मैं यहाँ पर फोटो लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर खाना स्टार्ट हो गया है, खाना खिलाना, तो सभी लोग खाना खा रहे हैं। पूरा मतलब पार्टी ख़त्म होते होते 11-12 बज गया था, सबको जाते जाते 12 बज गया था, हम लोग 12-1 बजे सोए थे। घर में जब फंक्शन पार्टी रहती है ना तो ऐसा ही होता है। और सुबह में हम लोगों को वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना था, उसकी भी तैयारी करनी थी, बहुत मतलब पूरा बिजी शेड्यूल हो गया था। पापा बोले कि मतलब थोड़ा तो गैपिंग होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ, पूरा बिजी शेड्यूल, पूरा एक हफ्ता हम लोग बिजी रहने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।